हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू सो आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया है खुशखबरी ये है कि 2023 में सी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी डेट्स लिखी हुई हैं अगर आप इन सारी डेट्स को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आपके ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये अगस्त में स्टार्ट हो रहे हैं और ये अगले साल जनवरी में ख़त्म हो जाएंगे मैं सारे एग्जाम्स की बात कर रही हूँ आर पीओ क्लर्क आई पीओ क्लर्क ऐसो कि सारे के सारे एग्जाम्स अगस्त टू से स्टार्ट होंगे और जनवरी तक एंड हो जाएंगे इसका मतलब क्या है आपके पास छः से सात महीने का टाइम है कि आप इन सारे के सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सको अगर मैं डेट्स की और बहुत स्पेसिफिक होकर बात करूँ तो आर आर क्लर्क का आपका प्री ऑगस्ट में हो जाएगा सेप्टेंबर में उसका मेन्स हो जाएगा आई वी बी का प्री नवम्बर में है दिसंबर में उसका मेन्स है क्लर्क का प्री आपका ऑगस्ट सेप्टेम्बर में हो जाएगा मेंस आपका सितंबर और अक्टूबर में हो जाएगा एसओ का प्री आपका दिसंबर में होगा और जो इसका मेंस है वो नेक्स्ट जनवरी में होगा तो हमें आप अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसमें कॉमन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं तो तीन चार चीज़ें हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में है इंग्लिश हो गया आपका क्वांट्स हो गया रीजनिंग हो गया जर्नल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस हो गया तो हमें इन चारों चीज़ों को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मेक श्योर कीजिए कि आप क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट करें क्योंकि आपको बैक टू बैक सारे एग्जाम्स देने हैं एंड आई वांट कि आप लोगों का ही अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए कहीं भी कोई कमी ना रहे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है उन लोगों को अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने की कहाँ कमी रह गई और इस बार तो किसी भी हालत में सिलेक्शन नहीं चूकना चाहिए अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कीजिए पता लगाइए कि कहाँ कहाँ आप कमज़ोर हैं या क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है अपना टाइम डिवोट कीजिए मॉर्निंग में सुबह उठ को एक टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दीजिए और इस चीज़ के अकॉर्डिंग भी आप वेटेज दे सकते हैं कि आप किस में ज़्यादा कमज़ोर हैं आप किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये गेम चेंजर सब्जेक्ट्स हैं मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स की वजह से होता है या इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स की वजह से रुकता है तो मेक श्योर कीजिए कि आप इन दोनों पे फोकस करें क्वांट्स में खूब सारी प्रैक्टिस करें रीजनिंग में खूब सारी प्रैक्टिस करें और इस बार कोई कसर ना छोड़ें अपने रिजल्ट के लिए यस yes, मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं परफेक्शन में रेगुलर आए साढ़े आठ बजे इंग्लिश कोई सारी चिंता छोड़ दें सिर्फ परफेक्शन में अगर आप रेगुलरली भी आ जाते हैं तीन से चार महीने भी रेगुलरली आ जाते हैं तो इंग्लिश में तो आपके हंड्रेड परसेंट बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे ऑल द बेस्ट एवरी वन एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को वीक लगती हैं आप लोग कहोगे मैं YouTube पे भी सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगी फ्री में भी पढ़ाऊँगी परफेक्शन की मैं फ्री क्लासेस भी ले रही हूँ एवरी वेंसडे एंड संडे बट प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि इस बार किसी का भी सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए ऑल द बेस्ट